हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ रॉड पी क्यू ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज हिंज्ड एट एंड पी। द रॉड इज केप्ट हॉरिजॉन्टल बाय अ मासलेस स्ट्रिंग टाइड टू पॉइंट क्यू एज शोन इन फिगर। व्हेन स्ट्रिंग इज कट, द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड इज। सो बच्चों, हमें डायग्राम में दिखाई गई है एक रॉड जिसको इंडिकेट किया गया है पी क्यू से। इसका मास है एम और इसकी लेंथ दिखाई गई है एल। अब इसको हम एक एंड पर हिंज कर देते हैं और इस तरह से स्ट्रिंग के हेल्प से हम लोगों ने इसको कैसा मेंटेन किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो स्ट्रिंग है वो मास लेस है और क्यू पॉइंट से इसको रॉड से टाई किया गया है। अब बच्चों, हम जब इस स्ट्रिंग को कट कर देंगे तो हमें बताना है कि रॉड में इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। तो डेफिनेट सी बात है, जब हम इस स्ट्रिंग को कट कर देंगे तो ये जो रॉड का एंड क्यू है ये इस तरह से टॉपल होगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया अल्फा। सो बच्चों, हम क्या लिख सकते हैं इसको कि द टॉर्क ऑन द रॉड इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द वेट। मोमेंट ऑफ द वेट, वेट एक फोर्स है हमारे पास, मोमेंट ऑफ द वेट ऑफ द रॉड अबाउट पॉइंट पी। तो हम टॉर्क को एक्सप्रेस कर सकते हैं टॉर्क टाउ से, और मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या लिख देंगे हम, इसका वेट है एम जी, और ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस रॉड का, दैट इज एल बाई टू। सो दिस इज एल बाई टू। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। अब हम फाइंड कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट पॉइंट पी, क्योंकि यहाँ पॉइंट पी कैसे एक्ट करेगा, एक एंड के जैसे एक्ट करेगा। तो दिस इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। सो ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों लिख सकते हैं हम टॉर्क एज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम दोनों इक्वेशंस में से वैल्यूज डाल देंगे, तो टॉर्क की वैल्यू है एम जी एल बाई 2 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो एम एम कैंसिल, एल एल कैंसिल। तो बच्चों, हमें यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 3g डिवाइडेड बाय 2l। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।